हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। आई एम परीक्षा पटेल। एक बार सुमिर करके एक व्यापारी था, उसको पैसे की जरूरत पड़ी। उसने सॉम करके मनी लेंडर से पैसे उधार लिए। फिर थोड़ा समय पसार होने के बाद सॉम मनी लेंडर ने व्यापारी से पैसे वापिस मांगे, पर उसके पास पैसे नहीं थे। तो सॉम को एक आइडिया आया एंड उसने एक शर्त व्यापारी के सामने रखी। व्यापारी की एक डॉटर थी, वो बहुत ही दिखने में खूबसूरत थी। उसे अपनी बेटी से बहुत ही लगाव था और बेटी को भी पापा से बहुत ही लगाव था। सॉम को ये बात पता थी कि व्यापारी को एक बेटी है जो बहुत ही खूबसूरत है और उसको वो पसंद भी थी। इसीलिए सॉम ने व्यापारी से शर्त रखी कि अगर वो अपनी बेटी की शादी सॉम से करा दे तो वो उसके सारे कर्ज माफ कर देगा। ये शर्त सुनकर सुमेर बहुत ही सोच में पड़ गया और कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि सॉम दिखने में भी इतना अच्छा नहीं था और ना तो कुछ खास बात उसमें थी। सो वो सोच में पड़ गया कि क्या देख के वो अपनी बेटी की शादी सॉम से कराए। ये देख के सॉम को भी थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि सुमेर डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तब सॉम ने दूसरी एक शर्त सुमेर के सामने पेश की कि देखो सुमेर, मैं अपने दोनों हाथों में पत्थर रखता हूँ, एक हाथ में सफेद और दूसरे हाथ में काले। तुम्हें दोनों में से एक हाथ को चूज करना है। अगर उसमें से वाइट पत्थर निकला तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा और तुम्हारी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। पर अगर उसमें से काला पत्थर निकला तो मैं कर्ज तो माफ कर दूंगा पर तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करवानी पड़ेगी। सुमेर ये बात पे एग्री हो गया क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। सॉम ने सोचा कि क्यों ना दोनों ही हाथ में मैं ब्लैक पत्थर ही रखूं, पर उसकी ये चीटिंग को सुमेर की बेटी ने देख लिया, पर वो कुछ बोली नहीं। जब सॉम ने कहा कि अब इसमें से कोई एक हाथ चूज करो, तब सुमेर की बेटी ने कहा कि क्या मैं चूज करूं? तब उसकी बेटी ने एक हाथ को चूज किया। उसको पता था कि दोनों ही हाथ में काले पत्थर है, पर जैसे ही सॉम उस हाथ को खोलने गया और उसने ठोकर खाने का नाटक करके उसके हाथ में से पत्थर नीचे गिरा दिया। नीचे काफी सारे पत्थर थे, सो ये ध्यान नहीं रहा कि गिरा हुआ पत्थर कौन सा था। तो अब क्या करें? सुमेर की बेटी ने स्मार्टली आंसर दिया कि अब आपके दूसरे हाथ को खोलो और उसमें जो पत्थर होगा उसके ऑपोजिट वाला ही पत्थर हाथ में से गिरा होगा। सो सॉम ने दूसरा हाथ खोला और देखा तो उसमें ब्लैक पत्थर था, और इसी तरह ये साबित किया कि जिस हाथ से पत्थर गिरा उसमें ऑब्वियसली सफेद रंग का पत्थर था, और ऐसे वो इस सिचुएशन से बाहर निकल गए। दोस्तों, स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि अब तो बहुत कम टाइम है, इतना टाइम में इतना सिलेबस पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों, कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें लगता है कि अब ये पॉसिबल ही नहीं है, पर आप बिना ट्राई किए हार मत माने। शायद आपके बहुत हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क से आप उसे खत्म कर सको। पूरा नहीं तो 80-90% ही भले हो, कुछ ना होने से तो अच्छा है कि कुछ तो हो। जैसे इस स्टोरी में हमने देखा दोनों हाथ में काला पत्थर था, सो ये इम्पॉसिबल ही लग रहा था, बट सुमेर की बेटी ने बड़े ही सतर्क से और उसके स्मार्ट वर्क से वो उस सिचुएशन में से निकल गए। आई नो वो बस एक स्टोरी ही है और हमारे सामने रियल लाइफ। मुझे पता है फ्रेंड्स, पर मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं है जिससे आप ठान लो एंड ना हो।
एक बार ट्राई करके तो देखो, कुछ हटके सोचो। मुझे पता है कि आपको इस टाइम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सके, अगर आप चाहो तो। ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टडी बडी क्लब को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।